गाइस, कैसे हो आप सभी। और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, और मेरे जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, तो ये वीडियो जो है बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने जो है चॉपर मंगवाया है तो वो चॉपर कैसा है और आपने उसको यूज़ किया है तो आप उसके बारे में रिव्यूज़ दीजिए, चॉपर अच्छा है या बेकार है। तो जैसा भी है मैं आपके सामने उसको क्लियर कर दूँगी। तो मैंने मंगवाया है ये जो चॉपर है, तो ये गणेश का चॉपर है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा उल्टा सा आता है। तो ये जो है गणेश का चॉपर है, तो इसमें कोई भी लाइट का यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ हाथ से ही चलता है। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो हाँ, इसमें सबसे पहले मिक्स वेजिटेबल्स, तो इसमें जो है वेजिटेबल को हम कट कर सकते हैं, और जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, चिली है, ऑनियन है, तो जो गार्लिक वगैरह पेस्ट वगैरह इनमें से हम सभी चीज़ों का अच्छे से इनको कट कर सकते हैं, और पेस्ट वगैरह भी इनसे बना सकते हैं, और इजीली काफ़ी मतलब अच्छे से बन जाता है। तो ये है गणेश का चॉपर। तो इस पर सबसे पहले इसका नाम लिखा हुआ है ब्रांड का कि ये गणेश का है, और अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा वाला ढक्कन, तो यहाँ से डोरी खिंचती है तो ये यहाँ से चलता है, आपको दिखाई दे रहा हो। और इसमें दिए हुए हैं बहुत पैने पैने जो हैं कट, तो ये बहुत नुकीले रहते हैं, और जो है ये ब्लेड्स हैं, इनको ब्लेड्स बोलते हैं। तो इनको आपको हमेशा बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, क्योंकि बच्चों को इससे छिड़कानी नहीं करनी है, क्योंकि हाथ वाथ कटने का डर रहता है। तो मैं तो इसको हमेशा ऊपर उठाकर रख देती हूँ जब यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसका मैंने दो बार यूज़ कर लिया है, और अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो सभी लोग आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है चॉपर, सभी के घर में चॉपर है, और जिनके घर में नहीं है तो मुझे लगता है कि चॉपर होना ज़रूरी है, क्योंकि चॉपर के बिना शायद मुझे लगता है कि हमारी किचन में कोई कमी है, तो चॉपर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी काट सकते हैं, और जो पेस्ट होता है वो भी बना सकते हैं, और वेजिटेबल को भी कट कर सकते हैं, और जो भी है हमें सब्ज़ी वगैरह इससे हम चॉप भी कर सकते हैं। ये एकदम इजी टू क्लीन है, इसको हम हटाकर अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि जैसे ये सारा मतलब जैसे जूसर वगैरह होते हैं वो अंदर से पूरे भर जाते हैं, तो इसमें ये सिस्टम भी नहीं है, इसको ब्लेड को अलग निकाल दिया जाए, जो भी हम चॉप करते हैं उसको हम बड़ी ईजीली निकाल सकते हैं। तो ये इजी टू क्लीन है। और अब बात करते हैं हम इसकी MRP की। इस पर MRP दी हुई है 621, बट ये इतने का नहीं है, मुझे ये पड़ा है 132 का। तो ये इतने इसका मेरे को पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पर जो है फ़्लिपकार्ट पे अभी ऑफ़र चल रहे थे तो मैंने फ़्लिपकार्ट से ये मंगवाया है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप भी इसको मंगवा सकते हो। तो इसमें जब मैंने सबसे पहले चॉप किया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम कम कम लेके चॉप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा चॉप करेंगे तो इसकी डोरी क्या है खींचने में प्रॉब्लम देती है, और इसको सही से टच करना होता है, ऐसा नहीं है कि ब्लेड कहीं जा रहे हैं और ये ढक्कन कहीं जा रहा है, तो इसको हम अच्छे से चॉप कर सकते हैं। और इसमें एक खासियत और है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी चीज़ हम इसमें चॉप करते हैं तो उसको हम यहाँ से देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि अगर वो चॉप हो गया तो हमें दिखेगा। क्योंकि क्या होता है जब मिक्सर ग्राइंडर को हम उसमें खोल खोल कर देखते हैं कि अभी हमारा पिसा है कि नहीं, लेकिन इसमें हम बाहर से ही देख सकते हैं, और इसमें हम थोड़ी सी मेहनत करके हम इसको है ना आराम से कर सकते हैं। अगर आप भी इसको परचेज़ करना चाहते हो तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको परचेज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, आप चाहो तो इसको लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, और ये अमेज़ोन पर भी है और फ्लिपकार्ट पर भी है, तो ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑफ़र चलते ही रहते हैं। तो अगर आपके घर में नहीं है तो आप भी उसको ख़रीद सकते हो, और जल्दी से जल्दी अपनी किचन को आप भी जो अधूरा कुछ लगता है उसमें, कभी कभी क्या है लाइट चली जाती है तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है कि अब हम क्या करें, तो ना चाहते हुए भी हमें कभी कभार सिल का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमारे पास चॉपर है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लाइट चली गई थी तो मैंने इसी का यूज़ किया था, तो काफ़ी यूज़फुल है ये हमारे लिए और काफ़ी अच्छा है ये। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हर घर में चॉपर होना चाहिए। तो चलो फिर गाइस, चलते हैं किचन में और
देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको इसको पूरा काम जो इसने कैसे करता है कैसे नहीं करता, तो मैं आपके सामने इसका जो है वर्क करना भी मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, और जो भी है अच्छा है बेकार है जो भी है मैं आपके सामने इसका पूरा क्लियर करके आपको बताती हूँ। तो चलो चलते हैं मेरी किचन में, हम इसको ओपन कर लेंगे और जो ब्लेड हैं उनको अलग कर लेंगे। तो आपको इस ब्लेड को यहाँ पर टच करना है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ पॉइंट है एक, और इसमें डालूँगी मैं प्याज। तो इस प्याज को, प्याज और लहसुन है तो इस प्याज को मैं तीन बार में इसमें चॉप कर पाऊँगी, क्योंकि एकदम डालूँगी तो ये जो इसकी जो रबड़ है वो काम करना बंद कर देगी, जो डोरी है तो वो बंद कर देगी, तो इसलिए मैं इसको इसमें टच करूँगी जो मैंने आपको दिखाया, तो मैं इसको इसमें लगाऊँगी। तो आपको भी इसको देख कर लगाना है, बिना देखे बिल्कुल नहीं लगाना है। तो आप इसको बड़े इजीली आप इसको टच कर सकते हो और आप इसको लगा लें और आप इस पे हाथ रख लें, और हाथ रखने के बाद आप इसको आराम से चला सकते हो। तो ये चलने में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेता है और चलने में काफ़ी मतलब इसमें ताकत वगैरह का भी कोई यूज़ नहीं होता, तो हम इसको बड़े इजीली चला सकते हैं और आप देख सकते हो, और मतलब ये मतलब आधा आधा पिस गया है, तो आप यहाँ से देख कर आप इसका आराम से यूज़ कर सकते हो कि पिसा है कि नहीं पिसा है। और अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी और अब मैं इसको फिर डालूँगी। तो मैंने इतनी सारी जो प्याज लहसुन को मैंने तीन बार में पीसा हुआ था, तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता, तो इसमें हम जो भी प्याज वगैरह पीसते हैं ना तो इसमें इसका टेस्ट है ना तो बिल्कुल एकदम इतना अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। जब मैंने इससे भरमा बैंगन बनाए ना तो इतने टेस्टी बने थे कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, और सच में जो जैसे जो सिल वाली फीलिंग होती है ना, जो वो वाला टेस्ट होता है ना, तो वो वाला ही टेस्ट इसमें मिला था। तो आप चाहो तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो, और बस जो है मेरा जो फाइन पेस्ट है तो मेरा बस ऐसे बना हुआ था, तो इससे ज़्यादा इसमें ग्रांड नहीं हो सकता, क्योंकि आप चाहो तो एकदम बारीक तो नहीं हो सकता, और मैंने तो ऐसे ही किया था जो आपके सामने है, तो बस यही था। और बस मैं इसको चला दूँगी, तो फाइनली जो है मेरा लास्ट था ये, तो मैंने इसको तीन बार में चॉप किया हुआ था, तो पहले मैंने कम लिया था और लास्ट में मैंने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लेके कर दिया था। तो बस मेरा कुछ ये है, इसका पेस्ट ऐसे रेडी हुआ है। तो गाइस आप लोग बताना, आपके घर में चॉपर है तो वो क्या ऐसे ही काम करते हैं, और मैंने तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखा आपने कि इसने कितने अच्छे से काम किया, और इतने अच्छे से इसने ईजीली काम कर दिया कि जो मतलब मुझे जो भी प्याज वगैरह पीसनी थी तो कितने अच्छे से पिस गई है इसमें। तो आप भी चाहो तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, और ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी आपको इसमें कट करना हो तो आप बड़ी इजीली कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको कम करके लेना है, एकदम पूरा भर के नहीं लेना है। तो ये कुछ ऐसा है, गणेश का चॉपर है ये, इसके ब्रांड का नाम गणेश है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये ऐसा ऐसा है। तो गाइस चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।